नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के अंतर्गत हम इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर के टॉप 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं। ये जो प्रश्न सीरीज है, आज का अर्थात 24 मई 2023 के प्रश्न सीरीज है, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन लेंगे, जो कि आपका CGPSC और व्यापम में पूछे गए प्रश्नों को ही हमने लिया हुआ है। CG व्यापम के अलावा आपका अन्य राज्य में जो शिक्षक भर्ती सहित अन्य जो भर्तियां हैं उसमें कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न हमने लेने का प्रयास किया है। तो साथियों, जो नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलिए एक एक करके हम तमाम प्रश्नों पर आते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्रेस्ड। देखो CD शब्द ऐसा है, C और D। C का अर्थ है कंप्रेस्ड, और देखो कॉम्पैक्ट, और D का अर्थ होता है DVD, है ना भाई? तो या डिस्क इसको बोलते हैं। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क इसका पूरा हो जाएगा CD का, ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। और ये प्रश्न है साथियों आपका RAS के एग्जाम में आया है, RTS के प्री के एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों का जो भंडारण करता है उसको चुंबकीय टेक बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, या ए और बी दोनों बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सी हो जाएगा भाई, ए और डो इनका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका UPSC के एग्ज़ाम में 1999 में आया है, साथ ही साथ उत्तराखंड के PSC एग्ज़ाम में 2007 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए साथियों, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आता है भाई, देख सकते हो यहाँ पर, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, अर्थात जो सिलिकॉन का बना होता है ना साथियों, डिस्क है, चिप है, मैग्नेटिक टेप है, या फाइल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई बी, जो चिप है ना, चिप में जो रहता है ना, लोहा जैसा दिखता है देखना भाई, वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। ये UP लोअर SPL में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, प्री में। तो बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को तो एक बार अच्छे से एनालिसिस करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो भाई, रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने और पढ़ने दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। रोम दैट मीन्स क्या है? ROM, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें केवल हम रीड कर सकें, है ना भाई, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा, केवल पढ़ने के लिए। फिर नाम से स्पष्ट है ना, रीड ओनली मेमोरी, ROM का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मतलब सिर्फ वो रीड कर सकता है, सिर्फ वो पढ़ सकता है, ठीक है। उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका है भाई ये प्रश्न। देखो प्रश्न 26 है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं भाई? रैम, रोम, CPU या CD-ROM। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति की यहाँ पर बात की जा रही है, स्थायी मेमोरी की बात की जा रही है, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, जिसको केवल और केवल रीड कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला प्रश्न में आ जाओ भाई, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 27 है। देखो CD-ROM का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो कोर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई इसका? सही उत्तर हो जाएगा बी। CD का तो आप सभी जान रहे हो ना, CD का दैट मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, और ROM CD-ROM तो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है वो उत्तराखंड के एग्जाम में 2002 में पूछा गया प्रश्न है साथियों। चलिए अगले प्रश्न में हम बढ़ जाएं। अगला प्रश्न हमारा आता है, देख सकते हैं, कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का तात्पर्य है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है RAM। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और ROM का रीड ओनली मेमोरी होता है भाई, ठीक है। तो बी इसका सही उत्तर है, UPSC एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखिए हमारा आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, 29 क्वेश्चन है। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, वर्चुअल जो मेमोरी है उनका आकार डाटाबेस पर डिपेंड करेगा, एड्रेस लाइंस पर, डिस्क स्पेस पर, या ये सभी पर। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डिस्क स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का जो प्रभाव है वो पड़ता है, ठीक है। APPSC
मध्य प्रदेश पीएससी में 2010 में ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है। देखो एक्सेसिंग जो टाइम है वो सबसे कम कौन सी मेमोरी का है भाई, कैश मेमोरी, मैग्नेटिक, बबल मैग्नेटिक कोर, रैंडम एक्सेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कैश मेमोरी है ना उसकी मेमोरी की कम एक्सेस होती है। ठीक है, MBPSC में भाई 2010 में आ चुका प्रश्न है, अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी भी करेंगे। ठीक है, चलिए फ्लैश मेमोरी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है ना, देखो भाई क्वेश्चन को भी आपको समझना होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई नहीं है, सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अत्यधिक सस्ता है, कतई नहीं भाई। कंप्यूटर की कोई भी सामान आपको सस्ता नहीं मिलेगा। UPSC में आपका मेंस के एग्ज़ाम में 2004 में पूछा गया प्रश्न है। देखो भाई प्रश्न 32 क्या है, एक पेन ड्राइव क्या करता है। स्थिर द्वि भंडारण एक चुंबकी हटाए जाने वाले। उत्तर हो जाएगा भाई पेन ड्राइव, देखे हो ना जो लैपटॉप में डालते हो और कोई भी डाटा स्टोर करना है उसमें स्टोर करे फिर निकाल देते हो, है ना। अर्थात ये हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एक एक है। ठीक है, बिल्कुल सी सही उत्तर हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही है साथियों, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड के एग्जाम में आ चुका प्रश्न है। चलो प्रश्न क्रमांक 33 देखो, कार में लगा हुआ जो गति मापक यंत्र निरूपित करता है किसको, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, कौन से कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा भाई। ये आ जाएगा एनालॉग, है ना। वो एनालॉग क्यों है भाई, उसमें किलोमीटर शो होता है ना, हर चीज़ शो होता है। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न में आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 को देखो भाई, सीडी रोम का पूर्ण रूप में, फिर से वही चीज़ें रिपीटेशंस हो रही है। सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दैट मींस इसका सही आंसर हो जाएगा भाई बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आ जाइए, कंप्यूटर सीडी का अक्षर, देखो कंप्यूटर का जो सीडी अक्षर है उसका प्रयोग होता है जिसका अर्थ है, अब सीडी किसका, सीडी का क्या अर्थ है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है साथियों, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रश्न क्रमांक 36 है भाई, देखो साइज को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि सभी साथियों तक ये ऑप्शन जो है पहुंच सके। ठीक है, चलो चलो भाई ऑप्शन में आ जाओ। 36 का देखो, फ्लैश मेमोरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है ना, अब नहीं है उस कथन पर आपको बात करना है, उस कथन को आपको लेना है। तो ये जो है आपका रेल 40 डिग्री से प्लस 850 सेंटीमीटर ताप पर कार्य कर सकता है। ठीक है भाई, ये जरूरी चीज़ें हैं, उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, देख लो यहाँ भी वही कंडीशन आ गया है, नहीं है वाला। ठीक है, स्मृति के प्रकार नहीं है, मैग्नेटिक, सेमीकंडक्टर, सर्वर या ऑप्टिकल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी, सर्वर जो है स्मृति के प्रकार नहीं है मित्रों। ठीक है ना, चलो ठीक है भाई अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखो साथियों अगला हमारा जो प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है, है ना, रैम, DSL, LAN, CPU या USB। आंसर देंगे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम, रैम को दर्शाता है। कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है भाई, तो रैम को दर्शाता है। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न में आ जाइए सभी साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है भाई, ठीक है देखो दिख रहा है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र निकाल लिया जाना है या शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप में क्या होता है भाई, देखो भाई शीघ्र रिकॉल किया जाना है। ठीक है ना, तो रिकॉल कैसे होगा भाई, रीड ऑनली से होगा क्या, सीक्वेंसिंग एक्सेस मीडियम से होगा भाई। ठीक है ना, ठीक है चलो, SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं, डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है भाई, रैम, रोम, फ्लैश मेमोरी या CD-ROM। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई रैम, RAM। ठीक है, अस्थायी रूप से स्टोर रहती है। ठीक है साथियों, ओके चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 41 है, देखो कंप्यूटर में RAM का अर्थ क्या है भाई, RAM, तो RAM मतलब रेसिडेंट एंड इंक्वायरमेंट जो भी है भाई, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी आ जाएगा भाई, इसका सही उत्तर क्लर्क के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर आइए सभी साथी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों से बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है भाई, चुंबकीय टेप डिस्क, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई, ए और बी दोनों हैं, हम इसको कल बताएंगे बच्चों, अभी इतना जान लो कि ए और बी दोनों ही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं भाई हम सभी साथी। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करने में रख जाता है, जो कि कहलाता है, अब क्या कहलाता है बताओ, डिस्क है, चिप है, मैग्नेटिक चिप है या फाइल्स है, क्या कहलाता है भाई, यूपीपीएससी के एग्जाम में आया चुका है क्वेश्चन, सही सही करोगे भाई, देख लो रैम क्या है, देखो भाई यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ना इसका चिप हो जाएगा, ठीक है, चिप उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 44 है हमारा। देख लो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की या सोडियम की, किसकी परत समझते हैं आप, देखिए एसबीआई में आया हुआ क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं सभी साथी, देखो भाई जल्दी फटाफट, कंप्यूटर में जब अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण होता है तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज होता है, डायनेमिक डिस्क होता है या डॉक्यूमेट्रिक डाटा एक्सचेंज होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई ए, डायग्नोसिस एवं डाटा एक्सेस, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना चीज़ें। चलिए ठीक है फिर अंतिम, देखिए इधर 46 में पहले कर लेते हैं, अभी 50 तक जाएंगे ना। 46वां प्रश्न है, देखो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव है क्या चीज़, एक स्थिर द्वितीय भंडारण यूनिट है, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण यूनिट है, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण यूनिट है, ठीक है। चलो अब रेडी हो जाओ भाई, इसमें आंसर दे दूँ तो बिल्कुल आंसर सी आएगा, एक हरा, देखो एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण यूनिट होती है, ठीक है ना। चलो भाई 47 है क्वेश्चन नंबर, 47 है, दो तीन बचा है भाई, ज़्यादा नहीं है। रजिस्टर उच्च जाति व समिति के बच्चे हैं, ठीक है भाई, जो स्थिर होते हैं, कहाँ स्थिर होते हैं भाई, स्मृति में, सीपीयू में, इनपुट आउटपुट में या रोम या ई प्रोम में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, देखो ये जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा रोम एंड बी प्रोम, ठीक है, रोम और बी प्रोम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 48 है, और ये जो प्रश्न है आपका ना एसबीआई क्लर्क में पूछा जा चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 48 देखो, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का नामांकित चित्र है, यू रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोर का नामांकित चित्र आपको, देखो भाई स्टोरेज का एक क्रोमियम, देखो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक क्रोमियम की यहाँ बात की जा रही है, तो सी डी है, तो क्या होगा भाई ये बी हो जाएगा, ठीक है ना, सी डी रॉ, ठीक है। चलिए अगला है रोम, देखो यहाँ पर फाइल को सेव करने, कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा स्थावत कहाँ रहता है भाई, यथावत रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में या प्राइमरी स्टोरेज में, उत्तर हो जाएगा भाई सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न लेंगे, देखिए साथी ये प्रश्न जो है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट मतलब क्या होता है भाई, 8 द्विआधारी अंकों का जो योग है ना, एक बाइट बराबर इतना मेगाबाइट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी अच्छे से पढ़ेंगे भाई, आज की कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा है, आप सभी साथियों को आशा है अच्छा लगा भी होगा, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं साथियों, देख सकते हैं यहाँ एसबीआई क्लर्क से लेकर हम पूरे सभी चीज़ों को हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सभी की इसमें जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको हमने लेने का प्रयास किया है, चाहे सीजी व्यापम की मैं बात करूं, चाहे मैं अन्य विभाग की भर्ती की बात करूं, छात्र और अधीक्षक की बात करूं, तो सभी प्रश्न जो कि आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ प्रश्न है उनको हम इस वीडियो में लेने का प्रयास किया है, और प्रतिदिन का हमारा वीडियो ऐसे ही रहता है। तो जो साथी नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।